अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं महमूदिया ट्रैवल एंड टूर का यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद साद इकबाल अपने चैनल में वेलकम और शामदीद कहता हूँ। इंग्लैंड से एक और अहम अपडेट आप साथ शेयर करें इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से कि एमनेस्टी की डेट जो है दोबारा फिक्स की जा रही है। वीडियो को लाइक करते चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तमाम दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। काफ़ी सारे हमारे दोस्त अहबाब, हम पहले भी वीडियोज़ बना चुके हैं, इससे पहले हम शायद इकबाल पर काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे हमारे दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनके पास जो पेपर है लीगल का वो नहीं है, ठीक है। असाइलम के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिलता है, लेकिन क्या 2022 में कितने चांस ऐसे वाले से लोग डिबेट पर भी साइन कर रहे हैं, और जिसकी डिबेट 1,19,000 के करीब हो चुकी है, जबकि हर बार 1,00,000 डिबेट कराते हैं और उसकी जो सिग्नेचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या इस बार चांस क्या है? देखो दोस्तों, जो इस वक्त हालात हैं यूके में, ऑलरेडी आपको पता है हर तरफ वर्कर शॉर्ट हैं। इकॉनमी को देखा जाए तो टैक्स पेयर इनसे ज़्यादा कौन हो सकता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं, तमाम सोलिसिटर भी इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि यूके के इकॉनमी अगर बूस्ट होनी है तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स के, और इलीगल इमिग्रेंट्स तकरीबन जो है 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और 2 मिलियन बहुत ही ज़्यादा तादाद है। अगर ये 2 मिलियन का हिसाब लगाएं और अपना टैक्स का हिसाब लगाएं तो देखें दोस्तों कहां पर इनकी इकॉनमी बूस्ट होकर आसमानों को छू सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है लेवल अचीव हो सकता है और इनकी इकॉनमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है और इसमें इसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब बात यह है कि 2022 में एमनेस्टी मिलने के कितने चांस, देखो दोस्तों कोई चांस अभी तक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आए दिन हम भी अपडेट देते हैं और भी चैनल्स पर आपको देखने को मिलती है, अपडेट्स मिलते हैं, काफ़ी सारे लोग सोलिसिटर के साथ कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, कई लोग 5 साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, कोई 15 साल से हैं, कोई 50 साल हो गए, मतलब किसी ने उम्र ही गुजार दी हैं, ठीक है। तो लोग इस मतलब खानदानों के खानदान आबाद हैं और उनके पास ये स्टेटस मौजूद नहीं है कि उनके पास पेपर नहीं है कि वो एक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें और एक लीगल तरीके से ज़िंदगी को एन्जॉय कर सकें और अपना टाइम गुजार सकें, तो ऐसा कोई अभी तक वे नज़र नहीं आ रहा। रिसेंटली कुछ और ममालिक ने, कनाडा हो गया जिस तरह, तो इन्होंने एमनेस्टी दी अपने ममालिक को, और भी ममालिक हैं जो दे देते हैं, पता नहीं यूके को क्या, इस गवर्नमेंट को क्या है। असल में दोस्तों जब तक ये प्रीति पटेल है ना, तो ये लगता है कि कोई सिस्टम को सीधा नहीं होने देगी, ठीक है। अभी भी ये है कि कुछ चांस हैं सही, लेकिन क्या चांस हैं अभी दर लोग। अच्छा, इनके एक तो एक बड़ी इनकी बात है कि दावे करते हैं कि जी ना हम इंग्लिश चैनल को बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, आज तक इनसे इंग्लिश चैनल नहीं भाई, यार वो नहीं बंद हो रहा तो आप जब कोई क्राइम में मुलवस नहीं है, कोई किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों को तो आपको एमनेस्टी हर हाल में देना चाहिए। तो लोग इस पोजिशन में हैं कि 2020 में कोई अच्छी खबर आए, उम्मीद तो दोस्तों की जा सकती है, लेकिन सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है, कन्फर्म बात नहीं कर सकते हैं कि आया ये काम करेंगे। बकाया ये है कि आप किसी ऐसी सोलिसिटर से भी राबता कर सकते हैं, ठीक है, उससे रहनुमाई कर सकते हैं कि कैसे हम जो है ना ये सारा काम कर सकते हैं। दोस्तों कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अगर कोई बंदा इनलीगल है तो हाँ उसके बहुत ही कुछ ज़्यादा सोर्सेज हैं और बहुत ही उसकी वज़ीर आज़म तक जान पहचान है तो शायद वो अपना रास्ता निकाल सकता है। तो जिस तरह आपको पता है नवाज़ शरीफ साहब हैं और वो पीछे इनलीगल हो गए थे, लेकिन क्या है कि शायद फिर उन्होंने कोई किया होगा असाइलम का, तो उनका तो भाई फिर ज़ाहिर सोर्सेज वाले लोग हैं, इस तरह के लोग अगर आप हैं, कोई अगर जान पहचान है तो भाई या फिर ऐसा हो सकता है। आम जो आम पब्लिक के लिए है तो वो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है, दुआ की जा सकती है, अल्लाह खैर करे, बेहतर करे, वो कुछ अच्छे हालात हो जाएं, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करना थी, बाकी डिबेट साइन नहीं की जिन लोगों ने वो कर सकते हैं, मेरे ख्याल से डिबेट भी बंद हो गई है, शायद नई डिबेट अब जनवरी स्टार्ट होया ये करेंगे, पहले वाली तो 2022 में उसका एंड होना था। तो उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी अपडेट मिलेगी, जैसे कोई मिलेगी तो इंशाल्लाह आपके साथ भी जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।